कुछ कुछ होता है कि 20 साल पूरे होने पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी। इस दौरान बॉलीवुड के कई जाने माने सेलेब्स नजर आए। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट सिर्फ सलमान को छोड़कर मौजूद थी, तो वहीं सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात तो ये रही कि इस दौरान एक्ट्रेस काजोल और रानी एक साथ नजर आए। दरअसल कहा जाता है कि दोनों बहनों के बीच बनती नहीं है, वजह है इसके पीछे रानी के पति आदित्य चोपड़ा और काजोल के पति अजय के बीच झगड़ा। फिल्म सनफ सरदार की रिलीजिंग डेट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और फिर अजय का पूरा साथ देते हुए काजोल ने कहा था कि वो फिल्म की रिलीजिंग डेट को नहीं डालेंगी। इसके बाद रानी मुखर्जी ने अपनी शादी के बाद जो पार्टी दी उसमें काजोल गायब थी। फिर खबरें ये आई कि रानी ने काजोल को बुलाया ही नहीं, तो वहीं कई बार दुर्गा पूजा में भी काजोल और रानी एक साथ नजर आते हैं लेकिन सामने होते हुए भी बात नहीं करते हैं। मगर फिल्म कुछ कुछ होता है कि 20 साल पूरे होने पर फाइनली रानी और काजोल ने मंच साझा किया। इस दौरान साफ लग रहा था दोनों के हाव-भाव देखकर कि अब दोनों के बीच समय बीतने के साथ साथ वो सारे मतभेद कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं और अब दोनों के बीच प्यार वाली फीलिंग आ गई है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।